नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू सभा ने निकाली इस्लामिक आतंकवाद एवं कट्टरता की शव यात्रा। आज नगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने झांसी की रानी पार्क से इस्लामिक आतंकवाद एवं कट्टरता की शव यात्रा निकाली। यह शव यात्रा झांसी की रानी पार्क से प्रारंभ होकर प्रकाश चौक से होते हुए महावीर चौक पर समाप्त हुई। इस शव यात्रा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश कौशिक के निर्देश क्रम में पूरे प्रदेश में इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरता की शव यात्रा निकाली गई, क्योंकि आज पूरी दुनिया पर समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरता दुनिया के लिए नासूर बन चुकी है। पाकिस्तान, टर्की सहित अन्य इस्लामिक देश दुनिया में आतंकवाद फैलाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इन देशों की नीति केवल दुनिया को बर्बाद करना है। दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता, लेकिन इस्लाम केवल हिंसा सिखाता है। जिला अध्यक्ष शशांक त्यागी एवं जिला प्रभारी सचिन कपूर जोगी ने संयुक्त बयान में कहा कि यदि इस्लामिक आतंकवाद को समाप्त करना है तो हमें भी अपने अंदर कट्टरवाद लाना होगा तथा पूरी यात्रा को एक होकर आतंकवाद को समाप्त करना होगा। आतंकियों का साथ देने वाले देशों का पूर्ण बहिष्कार कर उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना होगा। इन देशों को सबक सिखाने के लिए इनसे सभी व्यापार बंद करने होंगे तथा जो मदरसे चल रहे हैं उन्हें बंद करने होंगे और मदरसों को बंद करने के पश्चात स्कूल या अस्पताल बना देना चाहिए। इनकी हर गतिविधियों पर नजर रख आतंक फैलाने वालों को सीधी गोली मारने के आदेश सरकार को देने होंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। इस तरह के कार्यक्रम किया गया आज अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश कौशिक जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में लव जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद एवं इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है, जिसमें मुजफ्फरनगर की जिला इकाई द्वारा भी हमारे जिलाध्यक्ष शशांक त्यागी और जिला प्रभारी सचिन कपूर जोगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्री लाला ठाकुर जी के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने इस्लामिक आतंकवाद, कट्टरवाद और लव जिहाद की शव यात्रा निकालकर उसे कचहरी गेट पर जाकर आग के हवाले किया, आग पर भस्म किया और प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार से मांग की कि जिस प्रकार फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में कट्टरवाद के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, उसी प्रकार भारत में भी इन कट्टरवादियों के खिलाफ अभियान चलाया जाए और इस दुनिया से आतंकवाद को निपटाने में भारत ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई, क्योंकि आतंकवाद आज पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। पूरी दुनिया इससे त्रस्त है। पाकिस्तान, टर्की और चाइना जैसे दो देश इस कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो सभी दुनिया के सभी देश मिलकर इन सब का विरोध करें और इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करें, तभी हम अपने आने वाले पीढ़ी को एक सुरक्षित एवं सभ्य समाज दे पाएंगे।